सासु बोलिया बोले हो ननदियो बोलिया बोले। का कही हो राजा, हमके ताना बर्दाश्त ना होत बा। इहे मन करता कि हम फंसरी लगाए के कहूँ मर जाई, अपने पति से इस तरह से बात करती हैं। सासु बोलिया बोले हो ननदियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियो बोलिया बोले। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अवधी गीत लेकर आए हैं जो कि अवधी लैंग्वेज में है, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने कमेंट किया हुआ है जिनका नाम है इल्विस मीना। उन्होंने कहा है भैया एक अवधी गीत लिखिए, तो आज हम उन्हीं के कमेंट पर एक गीत लिखे हुए हैं और बहुत प्यारा मैटर है और एक पत्नी का मैटर है जिस पत्नी को बच्चा नहीं होता है वो दुनिया के तमाम ताने सहती है। आप सभी को मालूम है जिस औरत को बच्चा पैदा नहीं होता उसको लोग किस नज़र से देखते हैं, तो उसी टाइप का एक गाना हमने लिखा हुआ है। और उन्होंने ये नहीं बताया हुआ है कि हमें इस टाइप का गीत चाहिए, तो इसको तो हम अपने मर्जी से लिख दिए हैं। उनको पसंद आता है कि नहीं आता हमें नहीं मालूम है, तो अगर किसी को पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हमारी अगर बहनें देख रही हैं वो भी बताएंगी कैसा लगा ये गाना। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं किस प्रकार बना हुआ है। तो एक औरत है और वो अपने पति से कहती है, उसके घर वाले जो सास है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, सब उससे नफरत करते हैं क्योंकि उस औरत को बच्चा पैदा नहीं होता, उसको लोग ताने मारते हैं। तो अपने पति से एक दिन कहती है, इस तरह से हमें लोग ताने मारते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता है, मैं क्या करूं। तो अपने पति से किस प्रकार बात करती है, तो चलिए हम आपको सुनाते दिखाते हैं किस प्रकार ये गीत बना हुआ है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुखड़ा है, तो इसे हम धुन में करेंगे और आप सभी भी इस तरह से धुन में कीजिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसे हम धुन में करते हैं। सासु बोलिया बोले हो ननदियो बोलिया बोले। का कही हो राजा, हमके ताना बर्दाश्त ना होत बा। इहे मन करता कि हम फंसरी लगाए के कहूँ मर जाइए, अपने पति से इस तरह से बात करती हैं। सासु बोलिया बोले हो ननदियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियो बोलिया बोले। हरे जेठनियो बोलिया बोले हो, हरे जेठनियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियो बोलिया बोले। तो इस तरह से मुखड़ा है, अंतरा में क्या है, हम कहो देखी देखी मुँह बिचकावे, सांझ सबेरे पिया तानावा सुनावे। काव कही हो, इहे मन करत बा कहूँ जाए कि हम ताला इनारे लैली, हमका बर्दाश्त ना होत बा कि जोन सांझ सवेरे सब हमका देख के मुँह बिचकावत बा, ताना सुनावत बा, हम का करी पिया तू ही बतावा। तो इस तरह से बीच में बोल सकते हैं, हम काहो देखी देखी मुँह बिचकावे, सांझ सबेरे पिया तानावा सुनावे, बजनी के ताना दई देवरनियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो ननदियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनिया बोलिया बोले। हरे जेठनियो बोलिया बोले, जेठनियो बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियो बोलिया बोले। तो इस तरह से अंतरा है। तो लास्ट है, कौने कलम विधना लिखा है करमवा, बिरथा की हा हो मोर नारी के जनमवा,
हरे कौने कलम विधन लिख्या है करमवा, बिरथा की हो मोर नारी के जनमवा। होत सपेरे पड़ोसनियों बोलिया बोले, सुना हमर सैया हो जेठनियों बोलिया बोले, सुना हमर सैया हो जेठनियों बोलिया बोले। हरे जेठनियों बोलिया बोले, हरे जेठनियों बोलिया बोले, सुना हमारे सैया हो जेठनियों बोलिया बोले। सासु बोलिया बोले हो ननदियों बोलिया बोले, सुना हमारे पियावा हो जेठनियों बोलिया बोले, सुना हमारे पियावा हो जेठनियों बोलिया बोले। तो इस तरह से एक पत्नी अपने बात अपने पति से कहती है। तो कैसा लगा ये गाना आप जरूर बताएंगे। तो जिस टॉपिक पर किसी भी भाई को गाना चाहिए वो कमेंट करें, उस टॉपिक पर उनको जरूर गाना लिख के मिलेगा। और एक भाई साहब कमेंट किए हैं हमारे पास, व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि एक गाना रंगदारी का लिखिए। तो उन्होंने अभी तक बताया नहीं है रंगदारी का मैटर, अपने जिला का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, पूरा डिटेल बताएं, क्योंकि उसमें पूरा विस्तार लिखना होता है। तो बताएंगे तो उनका भी गाना लिख के जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।